नमस्कार, एसपीएन 9 न्यूज आप देख रहे हैं। आगामी आम चुनावों की तैयारियों में अब सभी राजनीतिक दल जुट गए हैं, क्योंकि देश के अगले लोकसभा चुनाव अब दहलीज पर खड़े हैं। ऐसे में कांग्रेस भी अपनी तैयारी पुरजोर तरीके से करती नजर आ रही है। इस बीच कांग्रेस ने मंगलवार को अपनी दूसरी सूची जारी करते हुए 43 और उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया। बता दें कि कांग्रेस ने इससे पहले 39 उम्मीदवारों की पहली सूची जारी की थी, जिसमें पार्टी ने 20 नए चेहरों को टिकट दिया था तो 19 पुराने चेहरों पर ही भरोसा जताया था। 19 शहरों में कांग्रेस ने बीजेपी के खिलाफ राहुल गांधी को वायनाड से चुनावी मैदान में उतार दिया है। बताते चले कि 2019 के लोकसभा चुनावों में राहुल गांधी ने अमेठी के साथ साथ केरल की वायनाड संसदीय क्षेत्र से भी चुनाव लड़ा था और जीत हासिल की थी। हालांकि अमेठी से उन्हें बीजेपी की स्मृति ईरानी के हाथों हार का सामना करना पड़ा था। लेकिन अब जब कांग्रेस ने दूसरी सूची जारी की है तो इस दूसरी सूची में कांग्रेस की तरफ से बड़ा नाम नकुलनाथ के रूप में देखने को मिला है। बताते चलें कि मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के बेटे नकुलनाथ वर्तमान में छिंदवाड़ा लोकसभा सीट से सांसद हैं और कांग्रेस ने इस बार भी उन्हें छिंदवाड़ा से ही टिकट दिया है। बता दें कि छिंदवाड़ा लोकसभा सीट 2019 में कांग्रेस की इकलौती सीट थी जो वो मध्य प्रदेश में जीत पाई थी। सूबे की शेष 28 सीटों पर कांग्रेस को बुरी हार का सामना करना पड़ा था, जहां 29 लोकसभा सीटों पर हुए चुनावों में 2019 में मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने 28 पर जीत दर्ज कर कांग्रेस को बड़ा झटका दिया था, तो वहां कांग्रेस केवल नकुलनाथ की वाली छिंदवाड़ा सीट ही जीत पाई थी। साथ ही बता दें कि छिंदवाड़ा लोकसभा क्षेत्र को लेकर कहा जाता है कि यहां कमल नहीं कमलनाथ खेलते हैं, इसीलिए कमलनाथ के बेटे नकुलनाथ को 2019 के आम चुनावों में छिंदवाड़ा से जीत दर्ज करने में काफी आसानी साबित हुई थी। लेकिन अब देखना है कि कमलनाथ के सामने यहां क्या कुछ चुनौती अपने बेटे को इस बार जिताने में आने वाली है। साथ ही बता दें कि मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने पूर्व कांग्रेसी रहे ज्योतिरादित्य सिंधिया को गुना शिवपुरी लोकसभा सीट से चुनावी मैदान में उतारा है, लेकिन कांग्रेस ने अभी तक उनके सामने अपना कोई भी प्रत्याशी नहीं उतारा है। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहे एसपीएन 9 न्यूज।